आइए सर, विनायक जी का घर सर। सर विनायक जी आ गए। लोग शौक से और पूरा पेट भर के भोजन कीजिए। खाना खा के खुश हो जाइए। चेहरा कितना हंसमुख है, बिल्कुल मेरी तरह, और दिल बिल्कुल राजा की तरह दयावान है। सबको जी भर के खाना खिलाओ, सबको पेट भर के खाना दो। छोटे वहाँ क्या कर रहा है, देखना इसकी प्लेट खाली हो गई है। घर पर सबको बुलाकर और प्यार से भोजन खिलाकर कितने खुश है ये, बहुत ही महान इंसान है। चिकन करी मटन सुखा, सारा दिल खोल के दो ना। दे रहा हूँ भाई। सर अब आप इस वक्त सिर्फ खाने की खुशबू ले रहे हैं। हाँ। अब इसे पचाना बाकी है। आप जरा इन लोगों की हालत तो देखिएगा सर। ये लोग खाते खाते रो क्यों रहे हैं, लगता है खाना तीखा होगा। तीखा नहीं सर, ये अपना भविष्य सोच के रो रहे हैं। सब लोगों ने पेट भर खा लिया। उस लड़की के साथ तुमने सही किया। मेरे प्यारे छोटे लाल, जरा गेट को कस के बंद कर दो और शुरू करें हम। पूरे शहर में मारपीट खून खराबा चल रहा है। नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे? सीधे कलेक्टर के पास जाकर इसकी शिकायत करूंगा। वो बाद में, पहले आप जरा उधर देखिए। एक चलना, तो खून धड़ाके वाला गाना लगा। इस मारा मारी को क्रिकेट मैच की तरह मजे लेते हुए जो आदमी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो और कोई नहीं, इनका कलेक्टर मामा है। आपको शिकायत करनी है ना तो उनसे जाकर कीजिए। ये मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ भाई, कलेक्टर और गुंडा एक ही घर में। अरे भांजे, आज का मैच तो सुपर था। अगला मैच भी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अगले मैच में भी इतना ही मजा आएगा। थैंक यू, थैंक यू। बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है। खाना खाकर हमारी मार सह सको, इसलिए खिलाया। ऐसा लग रहा है कि तुम मार खा के बहुत थक गए। सुनो, पास की दुकान को फिर से पेट भर के खाना खिलाओ। अगर दोबारा किसी लड़की से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर विनायक,